हेलो फ्रेंड्स, भक्ताज किचन पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सौंठ की चटनी। इसे आप चाट, गोलगप्पे, समोसे, कचौड़ियाँ इन सब चीज़ों के साथ खा सकते हैं। तो आइए सौंठ की चटनी बनाना शुरू करते हैं। सौंठ की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून सौंठ पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, स्वादानुसार नमक लेंगे, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 कप गुड़ लिया है और 1 कप पानी लिया है। अब हम चटनी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी डाल देंगे और उसके बाद पानी को 1 उबाल आने तक गर्म कर लेंगे। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए उसके बाद इसमें सौंठ पाउडर और बाकी के मसाले और नमक डालकर अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर देंगे। गुठलियाँ और लम्स बिल्कुल भी ना रहे, अच्छे से मिला लेंगे। चटनी में खटास लाने के लिए अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर डालकर मिक्स कर देंगे। आप इसके जगह पर इमली का पल्प भी डाल सकते हैं और मसालों को 5 से 6 मिनट तक इस तरह से पका लेंगे। उसके बाद इसी में हम गुड़ डालकर मिला देंगे। मैंने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लिया है जिससे जल्दी घुल जाएंगी। गुड़ डालने के बाद इसे हम फिर से 5 से 6 मिनट तक और पका लेंगे जिससे चटनी अच्छी तरह से पक जाएगी। तो इस तरह से 10 से 12 मिनट में सौंठ की चटनी बनकर तैयार हो गई। आप इसे गोलगप्पे, चाट, समोसे, कचौड़ियाँ इन सब चीज़ों के साथ एंजॉय कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।